तो जैसे कि आप लोग जयपुर आ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी काम आने वाली है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। इसी के साथ मैं आज बताऊंगा कि आप लोगों को रेलवे स्टेशन के आसपास सस्ता और अच्छा होटल कहाँ पे मिलेगा, और इसी के साथ मैं आप लोग वहाँ पे कैसे जा सकते हो, रिक्शा वगैरह कहाँ से मिलेंगे, और इसी के साथ मैं आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि वहाँ पे खाने पीने की सस्ती और अच्छी होटल कहाँ पे मिलेगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सो गाइस, आज का ब्लॉग मेरा ये होने वाला है, जैसे कि आप लोगों को रेलवे स्टेशन के आसपास सस्ता और अच्छा रूम कहाँ मिलेगा, और इसी के साथ में आप लोग वहाँ पे कैसे आ सकते हो पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। गाइस आप लोग देख सकते हो ये सामने रेलवे स्टेशन बना हुआ, रेलवे स्टेशन तो जस्ट बाहर निकलते आप लोगों को यहाँ से ई रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे। आप लोग देख सकते हो लाइन से काफी सारे, और जस्ट इसी के पीछे ही जाके बना हुआ गोपाल लॉन्च नाम से और पंचायती धर्मशाला नाम से भी है। अभी गोपाल लॉन्च में काफी सस्ता रूम मिलता है, तो आप लोग जिस जगह बेस्ट लगे उस जगह आप लोग ले सकते हो। और आप लोग ई रिक्शा में जाओगे तो मैं एक बार वापिस बता दूं आप लोगों को, ये 50 रुपये लेंगे कम से कम। तो जैसे कि इसमें आप लोगों को बता दूं, जैसे कि रेलवे स्टेशन के जस्ट पीछे ही बनी हुई पंचायती धर्मशाला के सामने आप लोग आओगे तो ये होटल गोपाल लॉन्च नाम से, बाकी आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। और आप लोगों का आसपास की ये जगह देख लो, और जैसे ये फैंसी स्टोर बना हुआ गीता फैंसी स्टोर, और जस्ट मतलब श्री पंचायती धर्मशाला की थोड़ी सी दूर पे बना हुआ, आगे मैं दिखाता हूँ जहाँ पे आप लोगों को रूम कैसे मिलेंगे और क्या रेट मिलेंगे। तो जैसे कैसे आप लोग देख सकते हो, ये आप लोगों को जो रेंट पे मिलेंगे आप लोगों को 100-100 रुपये में मिल जाएंगे। ये है ना अंकल, ये आप जो मिनिमम रहते हैं इसके क्या रेट रहती है? 100 रुपये। और अपने पास रूम कितने का मिलता है? रूम 200 का भी है, 250 का भी है, 300 का भी है, 400 का भी है, मतलब जैसा लेना चाहो वैसा। कम से कम 200 रुपये में सिंगल बेड का, इससे सस्ता आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे चार्जर सुविधा भी उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं चार्जर वगैरह सामान वगैरह रख सकते हो। नीचे ऊपर सब बना हुआ है, डबल बेड, मतलब सिंगल आदमी रह सकता 100 रुपये में। बाकी आप लोग देख सकते हो काफी अच्छा बना हुआ, बाकी मैं आप लोगों को ऊपर का भी रूम दिखाऊंगा क्योंकि मैं नाइट में ऊपर ही रुका था यहाँ पे, मेरे को काफी अच्छी लगी यहाँ की सुविधा, तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर डाल देते अपन। बाकी ऊपर से दिखाता हूँ आप लोगों को। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे सेपरेट भी बना हुआ लेटरिंग बाथरूम, और ऊपर जो रूम लेगा उसके लिए अलग बना हुआ ऊपर भी पर्सनल, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ऊपर। तो जैसे गाइस आप लोग ऊपर आओगे तो आप लोगों को ऊपर ये काफी सारे रूम बने हुए हैं। सबसे पहला रूम दिखाता हूँ मैं, ये आप लोग देखो कुछ इस तरीके से आप लोगों को रूम देखने को मिलेगा मात्र 200 रुपये में। तो मेरा मानना तो ये कहीं इधर उधर पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि आप लोग यही करोगे, कम से कम कम रेट में तो आपका अच्छा काम होगा, और यही पैसा आप लोग कहीं घूमने फिरने में खाने में लगाओगे तो काफ़ी कैश रहेगा। बाकी अपनी अपनी राय, बाकी मैं आप लोगों को दिखाता इसमें लेटरिंग बाथरूम भी अटैच है, और क्या लोगे 200 रुपये में भाई। ये देखो ये लेटरिंग बाथरूम भी अटैच है यहाँ पे, तो आप लोग पर्सनल आओ या फैमिली के साथ में आओ तो आप लोग कम बजट में रेलवे स्टेशन के पास में आके रह सकते हो। बाकी यहाँ पे कई सारे रूम बने हुए हैं, डबल बेड सिंगल बेड का थोड़ा बहुत किराया ज़्यादा होगा, मतलब जैसे 200 तो 300 रुपये होगा, इससे ज़्यादा का होगा। बाकी आप लोग ये देख सकते हो आमने सामने रूम बने हुए हैं, और ये यहाँ से बालकनी, और ये जस्ट पीछे रेलवे स्टेशन है। तो जैसे कि इसमें आप लोग को एक बात बता दूँ, जैसे कि मैं पहले आया था तो मेरे को भी पता नहीं था कि यहाँ पे क्या चार्जेस लगेगा और कितनी दूर लगेगा। रेलवे स्टेशन जहाँ तक आया था तो मेरे से 50 रुपये ले लिए थे, लेकिन जब मैं आया गली में तो पता लगा कि मतलब हवा महल से रेलवे स्टेशन तक के मेरे से 20 रुपये लिए थे ई रिक्शे वाले ने, और रेलवे स्टेशन से लेके ये पीछे वाली गली तक। लेकिन मेरे को पता नहीं था कि पीछे वाली गली में या कहाँ पर, पीछे वाली गली में आना है जस्ट, आप लोग पैदल भी आ सकते हो ई रिक्शे में भी आ सकते हो, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। तो मतलब आप लोग बोलना कि मैं तो आता रहता हूँ पेपर देने, तो ऐसा कुछ भी बोल देना तो आपसे 10-20 रुपये ले लेगा, नहीं तो आप बोलोगे कि मैं बाहर से आया हूँ तो आपसे 50 रुपये ले लेगा। तो मेरा मानना ये आप लोग यहाँ पे रहोगे तो काफ़ी बेस्ट है, और बाकी काफ़ी अच्छा है गाइस, आप लोग करके रुकोगे तो काफ़ी बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो जैसे कि गाइस यहाँ पे ऊपर रूम बने हुए, एक ही रूम बना हुआ, और आप लोगों ने नीचे देखा मतलब वो आप लोग सिंगल बेड वगैरह लोगे तो उसका 100 रुपये लगता है। जैसे कि सारे बेड बने हुए इनका 100-100 रुपये चार्ज है, आप इसमें आराम से रहो, बैग वैग रखो, फ़ोन वन चार्ज पर लगाओ जैसे वो लग रहे हैं, सब सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे। और ये भी दो बने हुए, तो फिर मैं थोड़ा घूम फिर के आता तो फिर ये लग गए थे पास के पास में, तो फिर मैंने सोचा फिर ऊपर वाला रूम ले लिया मैंने।
तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी बेस्ट ही है। बाकी आप लोग एक बार और लोकेशन समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे आप लोगों को आना श्री पंचायती धर्मशाला के चार कदम आगे। और बाकी भाई कैसा लगा यहाँ पे? तो यहाँ पे देखो ये क्या, हाँ सुशील ब्लॉग अजमेर नाम से। तो ये आप लोग देख सकते हो होटल गोपाल लॉन्च नाम से। और ठहरने की सही में उत्तम व्यवस्था लगी, मेरे को काफ़ी बेस्ट लगा यहाँ पे रहने के लिए। तो आप लोग आके जरूर एक बार विजिट करें यहाँ पे। तो जैसे कि अंकल मेरी वीडियो कोई देख के यहाँ पे आता था, उसकी आईडी क्या लगती है खाली रुकने के लिए? रुकने के लिए इसकी फोटोकॉपी बस, आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। इंसान मतलब सिंगल भी रुक सकता है, फ्रेंड वगैरह फैमिली वगैरह हुई तो सब सुविधा अपने पास में। ठीक है, हाँ मतलब ये सर गेट पे मिलेंगे आप लोगों को, और सुबह 6 बजे खोल देते हैं और रात को 11 बजे गेट बंद हो जाता है। सर आपका नाम? सज्जो सिंह। सज्जो सिंह नाम है सर से, आप लोग मिल रहे यही सर मिलेंगे आप लोगों को गेट पे। तो जैसे ही गैस आप लोग गली देख रहे हो, ये गली से आना है आप लोगों को, ये जस्ट पंचायती धर्मशाला है। और अगर आप लोग अभी रूम लोगे तो ये होटल 9 तारीख तक बुक है, मतलब पता नहीं किसी आरक्षण फारक्षण के कारण किस कारण से बुक हो रखी है, तो यहाँ पर अभी एक भी रूम खाली नहीं है। तो आप लोग, तो जैसे गैस मैंने आप लोगों को बताया कि पंचायती धर्मशाला बनी हुई है, आप लोग यहाँ पर आओगे तो ये अभी 9 तारीख तक बुक है जयपुर में। तो आगे गोपाल लॉन्च नाम से बना हुआ, तो आप लोग डायरेक्ट जाओगे तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। अगर किसी के थ्रू जाओगे तो वो 100-200 रुपये कमीशन ले लेगा। और इसी साथ में आप लोगों को इस सारी होटल भी देखने को मिलेगी जहाँ पर आप लोग खाना वाना खा सकते हो, और काफ़ी बेस्ट खाना है। और मैंने यहाँ पर खाना खाया था शाम भोजनालय पर, तो काफ़ी अच्छा खाना है। तो एक बार आके आप लोग जरूर विजिट करें। और बाकी बाहर चलते हैं और आप लोगों को मैं एक बार ई रिक्शा से भी बता देता हूँ, अगर ई रिक्शा यहाँ पर आएगा तो कितने पैसे लेगा बताते हैं भैया से पूछते। भैया रेलवे स्टेशन से ये गोपाल लॉन्च तक के कितने पैसे लगते हैं? 50 रुपये। तो जैसे गाइस मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोग ई रिक्शे में आओगे तो वो 50 रुपये ले लेगा आपसे। तो मेरा मानना ये है अगर पैदल ही आ जाओ तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया बिल्कुल 5 मिनट का रास्ता है, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के जस्ट पीछे ही बना हुआ है।